हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत अच्छे कुछ गार्डनिंग के टिप्स शेयर कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमने कुछ शीट को ग्रो किया है और वही मैं सब बताना चाहती हूँ। तो ये कुछ इस तरह के सैपलिंग्स को हमने मंगाया था और ये सैपलिंग्स तो अभी मंगाई है और इससे पहले जो सैपलिंग मंगाई थी वो भी इसी तरह के पॉट में थी जो आप देख रहे हैं। तो ये सारी मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ। ये देखिए, वो सारी सैपलिंग्स थी जो मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ और बाकी इधर ये ऊपर जो लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं सारे, इन पर फ्लावरिंग भी हो रही है मेरे जो सैपलिंग्स हैं। तो ये सारे जो सैपलिंग्स थे इनको हमने जब मंगाया था तो ये कुछ इस तरह के पॉट में आते हैं। तो इन जो पॉट को हमने फेंका नहीं और इनका बहुत अच्छा रीयूज़ हम कर लेते हैं। तो जब ये पॉट खाली हुए तो हमने इन पॉट में कोकोपीट को भर कर के जो है शीड ग्रो किए। ये शीड जो आप देख रहे हैं ये मैंने अर्बन गार्डन से मंगाए हैं और ये शीट, ये देखिए आप, इन शीट की पैकिंग बहुत अच्छी है। तो इनको हमने अर्बन गार्डन से मंगाया और उसके बाद ये जो पॉट हमारे सारे खाली बचे हमने इनको फेंका नहीं, सारे पॉट को हमने कोकोपीट में इसमें भर करके इसमें सीड्स को ग्रो किया। और ये देख सकते हैं कि ये कितने काम आए। तो अगर आप भी जैसे कि सैपलिंग्स मंगाते हैं और इस तरह के छोटे वाले जो सीडलिंग पॉट या ये सीडलिंग ट्रे होती है उसको फेंके नहीं, तो जब आपको सीड ग्रो करना होता है तो जर्मिनेट करना होता है तो आप इस तरह के यही वाले जो सीडलिंग ट्रे वाले पॉट होते हैं छोटे उसमें ही ग्रो करें तो वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दो में जो हैं ये देखिए ग्रो निकल गए हैं ये दो मेरे जो प्लांट हैं। और इसको हमने खोल के नहीं रखा हुआ है, ये ढका हुआ था, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको हटाया है और ये हमने एक बड़े से ड्रम टाइप का जो है, छोटा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, तो इसको पूरा ढक करके रखा हुआ है। और ये देखिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत काम आए और हमने एक को भी नहीं फेंका क्योंकि बहुत सारे सैपलिंग्स और सीडलिंग्स जो है इस बार मंगाए थे तो सभी के जो ये पॉट थे वो काम आ गए। क्योंकि ये जितने भी शीट्स होते हैं हमारे पास या तो हमें डिस्पोजल का यूज़ करना होता है और या तो फिर अलग से छोटे छोटे जो पॉट आते हैं उसमें, तो डिस्पोजल को भी हम खरीद कर ही लाएंगे है ना। तो और अगर आपके पास ये सीडलिंग वाले जो ट्रे छोटे पॉट होते हैं अगर आपने मंगाए हैं तो आपके पास हैं तो आपको अलग से भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वाले जो छोटे पॉट हैं इनमें जो है शीड को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे होते हैं ये, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से होते हैं और इसमें जो है ये शीड जो है देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये अच्छी ट्रिक है और मुझे शेयर करनी चाहिए ताकि जो भी मेरे गार्डनर्स फ्रेंड्स हैं उन सबको ये मतलब पता हो और आप लोग भी इसको फॉलो करें क्योंकि एक दूसरे से ही हम लोग सीखते हैं। और ये कुछ शीट देखिए कितनी अच्छी पैकिंग में है, तो इन पर सब शीटों पर नाम भी लिखा हुआ है सभी पर कि ये किस किस के हैं। तो इस पर लिखा है अर्बन गार्डन कॉस्मोस, तो ये कॉस्मोस का है। कितनी छोटी सी ये पैकिंग है आप देख सकते हैं और कुछ अलग ही टाइप की शेप है। तो जो भी है लेकिन पैकिंग भी सही है और शीट भी इसमें सेफ है। तो इस तरह से हमने इनको देखिए जर्मिनेट कर दिया है और बहुत अच्छे हैं ये। तो आप भी इस तरह के जो भी पॉट आते हैं छोटे या जिस टाइप के तो आप उनको फेंके ना और इस तरह से यूज़ में ले लें। तो बस मैंने ये वीडियो इतना इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ और आपको बता सकूँ। तो आप भी ऐसा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएँ ताकि वो सभी इसको फॉलो कर सकें। तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आप सबसे शेयर किया। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।